नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखना, हर किसी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हैं तो आपको ऐसा कोई ना कोई काम करना होगा जिससे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, और उस बिजनेस को अगर आप करोगे जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो आप वहाँ से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकती हैं। लेकिन हमारे अंदर पहले किसी चीज़ की नॉलेज होगी तभी हम दूसरों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सकती हैं। जैसे कि प्रॉब्लम क्या आती है, जैसा कि आपको पता है आजकल कोई भी इंसान नौकरी करना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, और बहुत सारे लोगों के पास अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हैं तो लीगल फॉर्मेलिटीज उनकी पूरी कैसे होती हैं, अगर हम बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो बिजनेस को गूगल मैप में या गूगल में सबमिट कैसे करती हैं, अगर चलो हम सबमिट कर भी लेते हैं तो अगर हमें अपना बिजनेस और बढ़ाना हो तो बिजनेस की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वो जाएंगे CA के पास, उससे बोलेंगे भाई मुझे बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना है। वो सीधा सीधा बोल देगा कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना है तो हम आपसे 4,000 रुपये लेंगे, 5,000 रुपये लेंगे। इसके अलावा अगर GST चाहिए तो किसी के पास जाओगे कि भाई GST चाहिए मेरे को, तो वो 2,000 रुपये ले लेंगे। किसी को अपने बिजनेस को गूगल में सबमिट कराना है, भाई हमें गूगल में बिजनेस सबमिट कराना है, वो बोलेगा मेरे को 1,500 चाहिए। गूगल मैप में कराना है, हमें इतना चाहिए। हमें अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी है, हमें 7,000 रुपये लेगा कोई। तो ऐसे बहुत सारे काम होती हैं जिनके चार्ज लगती हैं। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो, GST रजिस्टर कर सकते हो, बिजनेस को गूगल और गूगल मैप में सबमिट कर सकती हैं, गूगल मैप में सबमिट करने के बाद उस बिजनेस की वेबसाइट बना सकती हैं, वेबसाइट बनाने के बाद उस बिजनेस का वेबसाइट को कंप्लीटली गूगल में रैंक करा सकती हैं। और अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आप हर टाइप की वेबसाइट बना सकती हैं ये वीडियो देखने के बाद, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे म्यूजिक वेबसाइट हो, चाहे प्ले स्टोर जैसी वेबसाइट हो, चाहे यूट्यूब जैसी वेबसाइट हो, या किसी भी टाइप की वेबसाइट जो कि मार्केट में होती हैं, ब्लॉग वेबसाइट, बिजनेस की वेबसाइट, हर टाइप की वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। उसके बाद उस वेबसाइट से कैसे अर्निंग करते हैं, कैसे पैसे कमाती हैं, वो भी आप सीख जाओगे। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप हर टाइप का एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे, वेबव्यू एप्लीकेशन, व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन, गेम्स के जो एप्लीकेशन होते हैं उन्हें भी बनाना सीख जाओगे और उनसे पैसे कमाना भी सीख जाओगे। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे, किसी बिजनेस को जो ऑफलाइन में चल रहा है उसे ऑनलाइन कैसे लाएं, ऑनलाइन लाने के बाद उस बिजनेस को कैसे प्रमोट करें, कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट फेसबुक इंस्टाग्राम पर रन करें। इसके अलावा वीडियो मार्केटिंग कैसे करें, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की सब कुछ चीज़ें सीख जाएंगे। अब भाई ये चीज कैसे सीखेंगे, ये मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। ये सारी चीजों की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये जो ट्रेनिंग चलती थी वो 3,000 रुपए में चलती थी, और 30 दिन तक हम आपको ट्रेनिंग देते थे व्हाट्सएप की हेल्प से। हम वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो के लिंक भेजते थे जो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो होती थी, और आप उन वीडियो को देखकर पर डे एक नए टॉपिक को सीखते थे। जैसे पहले दिन बिजनेस रजिस्ट्रेशन, दूसरे दिन GST रजिस्ट्रेशन, फिर गूगल में सबमिट करना, और आपको जितने भी इशू आते थे आप हमसे व्हाट्सएप पर डिस्कस करते थे, हम उनके सॉल्यूशन निकाल के दे देते थे। अब हमने इसमें थोड़ा सा और चीज़ें इंक्लूड की हैं और आपके बहुत सारे फायदे की चीज़ें इसमें आ गई हैं। पहले कोर्स जो ये चल रहा था हमारा 3,000 का चल रहा था, लेकिन अभी हमने होली तक ऑफर रखा है 499 का। इसमें आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, बिजनेस की वेबसाइट, बिजनेस को गूगल में सबमिट करना, बिजनेस को गूगल मैप में सबमिट करना, हर टाइप की वेबसाइट बनाना, उससे अर्निंग करना, कैसी भी वेबसाइट हो, म्यूजिक वगैरह, कैसी भी किसी भी टाइप की ब्लॉग वेबसाइट बनाना, हर टाइप के एप्लीकेशन बनाना, उनसे अर्निंग करना, अर्निंग करने के 150 तरीके के बारे में डिटेल में डिस्कस, इसके अलावा पूरी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज, वो भी वीडियो के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज में, सिर्फ और सिर्फ 499 में हम अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग को कैसे ले सकती हैं, सभी वीडियो हिंदी लैंग्वेज में होंगी ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ।
इस ट्रेनिंग को आप अपने मोबाइल फोन से कर सकती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ट्रेनिंग को लेने का लिंक दिया है, उस लिंक पे आप ओके करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको अपनी डिटेल डाल के 499 का पेमेंट करना होगा। उसके बाद एक डाउनलोड का बटन दिखेगा, उस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते ही आपके फोन में एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ फाइल को जब आप ओपन करोगे तो आपको 30 से ज्यादा वीडियो के लिंक दिखेंगे जो कि डे वाइज होंगे। फर्स्ट डे फिर वीडियो का लिंक, सेकंड डे फिर वीडियो का लिंक, ऐसे लिंक होंगे। आपको फर्स्ट डे की वीडियो देखनी है तो उस लिंक पे ओके करो, सीधे आप यूट्यूब पर ट्रांसफर हो जाओगे और वीडियो देख सकते हैं। ये वो वीडियो होंगी जो कि प्राइवेट रखी जाएंगी, केवल जो लोग पेमेंट करेंगे उनके ही पास ये वीडियो के लिंक जाएंगे और कोई भी इंसान इन वीडियोज को नहीं देख सकता। इस कोर्स को लेने के बाद आप उन वीडियोज को कभी भी देख सकती हैं। आप पेमेंट कर दोगे, बाई चांस आपसे पीडीएफ डिलीट भी हो जाती है, तो आप हमें उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके या अपना नाम बता के हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। हम आपको दोबारा से वह पीडीएफ भेज देंगे। आपको कोई इशू आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। हम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आपको देंगे, बात भी करेंगे। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ कुछ इशू आ रहा है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन में कुछ इशू आ रहा है, वेबसाइट में कुछ इशू आ रहा है, ऐप बनाने में कुछ इशू आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोज में कुछ इशू आ रहा है, तो व्हाट्सएप की हेल्प से आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब भाई इस कोर्स को करने का फायदा क्या होगा? पहली चीज कि आप इतना कुछ सीख जाओगे कि जो ऑल ओवर इंडिया में जितनी चीजें होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप सीख जाओगे। प्लस यहां पे आपके पास चॉइस रहेगी कि आप अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो खुद का बिजनेस डाल सकते हैं दूसरे लोगों को सर्विस देने का। कि अगर आप सीख जाते हो तो दूसरे लोगों को बोल सकते हो कि अगर आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमसे करा लो, जीएसटी कराना है हमसे करा लो, वेबसाइट बनवानी है हमसे करा लो, गूगल में बिजनेस को सबमिट कराना है हमसे करा लो, एप्लीकेशन बनाना है हमसे करा लो, और डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम कराना है तो हमसे करा लो। एक तरह से आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस कर सकते हैं खुद। दूसरी चीज, आप अगर कोई बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप खुद अपना काम कर सकती हैं। वो कैसे? कि जैसे आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे तो वेबसाइट बना के उससे अर्निंग करना, हर टाइप की वेबसाइट बनाना उनसे अर्निंग करना, आप खुद की वेबसाइट बनाइए, खुद उन पर काम करिए और उनसे अर्निंग करिए। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग का खुद के लिए काम करिए, जैसे यूट्यूब से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल वहाँ पे मिलेगी, तो यूट्यूब से आप अपनी अर्निंग करिए, वेबसाइट बनाइए, गेम्स बनाइए, उनसे इनकम निकालिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी जिनसे आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ना तो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं ना कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं जॉब करें, तो किसी के भी पास चले जाएंगे, जैसे सीए के पास चले गए कि सर आपके यहाँ पे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, गूगल बिजनेसों को सबमिट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, तो कोई भी सीए आपको रख लेगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां आपके नॉलेज बेस पर आपको लेती हैं, तो आप किसी भी कंपनी में जाके बोल सकते हो कि सर हम ये चीजें जानते हैं, ये हमने बना के रखी हैं वेबसाइट एप्लीकेशन जो कुछ भी आपने, तो हम आपके लिए काम कर सकते हैं। तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा इस चीज का। अब भाई बात करें कि फ्यूचर ऐसा है कि जो इसमें डिजिटल चीजें चलेंगी, सब कुछ डिजिटली होगा और ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, ये दुकान वगैरह खोल के बैठते हैं ना, तो इनको राजी और गैर राजी अपना बिजनेस ऑनलाइन लाना पड़ेगा। और उस टाइम पे ऑनलाइन लाओगे तो इनको इतनी नॉलेज नहीं होगी कि भाई कैसे ऑनलाइन ले जाएं, कैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन, तो ये आप जैसे लोगों के पास भगे भगे आएंगे कि सर आप हमारी हेल्प करो, हमारा बिजनेस रजिस्टर करो, हमारे जीएसटी करो, हमारे बिजनेस को ऑनलाइन लाओ, हमें ऑनलाइन कैसे सेल करना है वो बताओ, ऑनलाइन की नॉलेज दो, हमारी वेबसाइट बनाओ, हमारे गूगल में बिजनेस को सबमिट करो, तो वो आप जैसे लोगों के पास भगे भगे आएंगे। और आप लोग इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद भी कर सकते हैं। प्लस आप इसके अलावा खुद काम करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं जहां पे जो हमने आपको सिखाया है वो आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कोर्स खरीदेंगे उन वो लोग हमारे इस कोर्स को आगे सेल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप सेल कर सकते हैं किसी को भी, आपने एक बार हमारा कोर्स लिया, दूसरे लोगों को, पहले खुद सीखो फिर दूसरे लोगों को भी आप सेल कर सकते हैं। हम कोई भी रॉयल्टी नहीं लेते इस कोर्स के बदले, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस कोर्स को करने के बाद। तो सभी लोगों से मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स को खरीदें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कोर्स का बाई नाउ लिंक दिया है, जल्दी से जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। इस कोर्स की रेट हाई होंगी फिर से, क्योंकि 3000 रेट थी,
एक साथ 499 रुपये लाना मेरे लिए भी एक घाटे का सौदा है, क्योंकि इतनी मेहनत की, इतने लोगों से वीडियो बनवाई, बहुत सारे यूट्यूबर से कांटेक्ट किया, उसके बाद ये पूरा एक कंटेंट आपके लिए इकट्ठा किया है, बहुत सारे सीए वगैरह से कांटेक्ट किया जिन्होंने वीडियो बनाई है, बहुत लोगों ने मिल के एक कोर्स बनाया है जो कि आपके लिए है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोर्स खरीदना हो तो खरीद सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई फोर्स वाली चीज़ नहीं है। आप अगर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहती हैं, फ्यूचर में बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हैं, तो कोर्स ज्वाइन करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा देना, जिससे ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे, और आपकी जो राय हो वो कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।